हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज रमजान स्पेशल रेसिपी में बनाते हैं रसमलाई, ब्रेड की रसमलाई। तो इसके लिए हम लोग 8 ब्रेड लिए हैं और यहाँ पे हमारा 1 लीटर गाय का दूध है और 1/2 कप चीनी है। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और 2 हरी इलायची है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें हम लोग कद्दूकस किया हुआ नारियल है, मिल्क पाउडर है 2 टेबल स्पून, किशमिश है 10 से 12, और हमारा बादाम है 5 से 6, और पिस्ता है भी 5 से 6 है। और हम ये हमारा घर का बना हुआ रबड़ी है, रबड़ी मालपुए की रेसिपी में मैंने रबड़ी बनाना बताई थी, तो ये ज़रूर लीजिएगा। और चिरौंजी यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, तो चिरौंजी भी लीजिएगा 10 से 12 दाने। तो जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे ना, उसको हम लोग कट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसका रसमलाई का बासुंदी बनाएंगे। तो बासुंदी बोलिए, रस बोलिए, या जो भी बोलिए, ये हम लोग उसका बनाएंगे। तो चलिए फिर एक बाउल ले लेते हैं, उसमें हम लोग कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून इसमें हमारा मिल्क पाउडर जाएगा। और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे ना सूखे मेवे कटे हुए, उसमें से थोड़ा थोड़ा सब में से डाल देंगे, और थोड़ा हम लोग बचा के रखेंगे, आगे भी हम लोगों का इसका काम है। तो फिर चिरौंजी देखिए हम लोग डाल देंगे इसमें, चिरौंजी ज़रूर डालिएगा। तो और हमारा जो 1 लीटर दूध था ना, उसी में से हम लोग 1/2 कप दूध इसमें घोल लेंगे, और ये एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं हम लोग इसका रस बनाने के लिए। तो चलिए फिर एक पतीला रख देते हैं गैस पे, और इस पर हमारा 1 लीटर गाय का दूध रख देते हैं। फुल क्रीम दूध लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप गाय के दूध से भी बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए अब इसमें हमारा उबल गया दूध, तो इसमें हम लोग 1/2 कप चीनी डाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग 2 मिनट तक उबालेंगे। उसके बाद हम लोग कुटी हुई हरी इलायची डाल देंगे इसमें, और उसके बाद फिर से 2 मिनट उबालेंगे। उसके बाद उबालने के बाद हम लोग जो मिक्सचर तैयार किया था ना, आधा इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे 2 मिनट तक। अच्छी तरीके से चला चला के पकाइएगा, बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स ये, तो आप ज़रूर बनाइएगा, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार ये आप बनाइए मेरे तरीके से, और बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना था। तो चलिए फिर जो बाकी का बचा हुआ जो मिक्सचर था ना, वो हम लोग इसमें डाल देते हैं, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से पका लेंगे 2 से 3 मिनट। तो चलिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है, तो इसको रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगा ना, तो इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए फिर ब्रेड लेते हैं, तो इसका ब्रेड का कटिंग गोल शेप में कर लेते हैं। तो मैं ग्लास से कट कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो आपको भी जो सार पेज वाला जो बर्तन होगा ना, उससे कट कीजिएगा, और चॉपिंग बोर्ड के नीचे आप कपड़ा ज़रूर रख लीजिएगा। देखिए मेरा बार बार हिल रहा था, तो थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही थी। तो चलिए फिर हमारा सारा राउंड शेप में ब्रेड कट के तैयार हो गया है, तो चलिए फिर इसका हम लोग सैंडविच जैसा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग रबड़ी लिए हुए हैं 4 टेबल स्पून, और जितने भी जो सूखे मेवे कटे हुए बचे हुए थे ना, वो सब हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग ब्रेड का एक टुकड़ा ले लेते हैं, उसके ऊपर 1 टीस्पून हम इसमें लगा देते हैं अपना रबड़ी, घर का बना हुआ रबड़ी। तो आपको रबड़ी की रेसिपी देखनी होगी तो रबड़ी मालपुए में जा करके आप देख सकते हैं कैसे बना है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, ये बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से, तो पता ही नहीं चलता है कि ये ब्रेड का बना हुआ रसमलाई है। तो आप ज़रूर बनाइएगा एक बारी। तो चलिए इसको एक में डाल दिया, फिर दूसरा जब हम ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं, उसमें भी हम लोग 1 टीस्पून इसमें रबड़ी लगा देंगे, और ये इसके ऊपर ऐसे हम लोग हल्के हाथों से प्रेस करके लगा देंगे। तो चलिए फिर दूसरा भी इसी तरीके से बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और रबड़ी डाल करके। तो एक बार ये आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था। तो चलिए इसी तरह हम लोग सारा तैयार कर लेते हैं, और इसको फ्रिज में हम लोग 1 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो चलिए अब हमारा ये रस भी तैयार है, रसमलाई का, और ब्रेड भी तैयार है, हमारे जो सूखे मेवे थे ना वो भी है। तो अभी ये वैसे सूखे मेवे का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफिशियंट है, बस मैं ऐसे ही रख ली हूँ थोड़ा सजाने के लिए। तो आपको जैसे भी प्लेटिंग करना होगा ना फ्रेंड्स, वैसे प्लेटिंग करके आप खा सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर से देखिए डाल रही हूँ, और
बहुत अच्छा लगता है ये। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा ये वाली रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, तो खाइए, पीजिए, खुश रहिए और इस रमज़ान ज़रूर बनाइए आप मेरी रेसिपी ये ब्रेड की रसमलाई की, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।